एक इंडिविजुअल की इंसल्ट करना, एक इंडिविजुअल की रेपुटेशन ख़राब करना इज नोन एज डेफामेशन। लेकिन अगेन इट्स नॉट ईजी ना कि डायरेक्टली गए कि चार लोगों के आगे बात करी, चलो कंपनसेशन मांगी, से बिल्कुल नहीं होगा। अब फिर से हमें तीन चीज़ें चाहिए एज एन एसेंशियल कोर्ट में जाने के लिए। पहला क्या चाहिए हमें, जो भी स्टेटमेंट एक इंडिविजुअल बोल रहा है दैट मस्ट पर्टिकुलरली रेफर टू दैट इंडिविजुअल। सपोज क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, और मैंने रेंडमली बोल दिया क्योंकि मैंने कल एक टेस्ट लिया था जिसमें सबके ज़ीरो मार्क्स आए, ठीक है, क्या हुआ, सबके ज़ीरो मार्क्स आए, और मैंने सबको बोल दिया तुम सब डफर हो क्योंकि तुम लोग पढ़ाई करके नहीं आए, तुम सब डफर हो, तुम लोगों ने कुछ पढ़ाई नहीं की, मेरे पढ़ाए हुए मैटर को तुमने वेस्ट कर दिया, ठीक है, ये बात हुई। उनमें से 50 में से एक बच्चा निकल के आया, उसने मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दिया डेफामेशन का। द कोर्ट विल से क्या वो टर्म स्पेसिफिकली तुम्हें रिप्रेजेंट करी गई थी आउट ऑफ द 50? नो, वो स्टेटमेंट क्या थी, ओवरऑल बोली गई थी, इन अ जनरल वे बोली गई थी, ठीक है। एक हेल्दी डिस्कशन में एक टीचर जो है अपने बच्चों को थोड़ा सा डांट सकता है, और उस चीज़ को आप ये नहीं कह सकते कि हमारे टीचर ने हमारा करैक्टर ख़राब कर दिया। लेकिन हाँ, इन्हीं 50 बच्चों में से अगर मैं एक को हाईलाइट करके कहती हूँ, आई नो योर करैक्टर वेरी वेल, कि तुम क्लास के बाद कहाँ कहाँ जाते हो। एक लड़के को मैंने सार्कास्टिक वे में बोल दिया, मुझे तुम्हारे करैक्टर के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि तुम इस क्लास के बाद कहाँ कहाँ जाते हो, ठीक है, मेरे क्लास से चले गए, उसके बाद क्या हुआ, उस बच्चे के बारे में लोगों ने बातें करना स्टार्ट कर दी, उसके बारे में गलत गलत एप्रीहेंशंस बनाना स्टार्ट कर दी। तो क्या अब ये एक बच्चा मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पे मैंने ऐसे वर्ड्स यूज़ करे हैं जो 49 नॉर्मल पीपल हैं उनकी नज़र में इस एक बच्चे की रेपुटेशन क्या हो गई है, डाउन हो गई है। इन दिस सिचुएशन दैट इंडिविजुअल स्टूडेंट कैन क्लेम कंपनसेशन। मीन्स जब भी आप कंपनसेशन मांगेंगे वो स्टेटमेंट स्पेशली आपके लिए रेफर करी होनी चाहिए। अगर वो आपके लिए रेफ़र नहीं करी गई, यू कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन। ग्रुप में बोली गई एक जनरल हेल्दी डिस्कशन को आप क्या नहीं कह सकते, आप डेफामेशन नहीं कह सकते। सेकंड थिंग, अब मैंने क्या करा, मैंने एक जो स्टेटमेंट बोली, पब्लिकेशन क्या होती है, दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, एक बोलता है तुम चोर हो, दूसरा बोलता है तुम भी तो रॉबरी करते हो। ये कन्वर्सेशन हो रही है इस इंडिविजुअल में और इस इंडिविजुअल में, एक रूम के अंदर, ठीक है, कोई अवेलेबल नहीं है, इसने भी बोला, इसने भी बोला, ठीक है। तो क्या ये पब्लिकेशन हुआ, क्या इसके लिए दोनों में से कोई भी कंपनसेशन मांगनी जा सकते? बिल्कुल नहीं जा सकते। कंपनसेशन मांगने के लिए कोर्ट ने एक और चीज़ मांगी है, पब्लिकेशन। जब भी आप एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट बोलते हैं दैट स्टेटमेंट नीड्स टू बी पब्लिसाइज। मैंने बोला मेरा फ्रेंड एक्स क्या है, रॉबरी करता है। अब मैंने ये स्टेटमेंट कहाँ बोली, मैंने ये फ्रेंड स्टेटमेंट अपने चार अलग दोस्तों के साथ डिस्कस करी, ठीक है, उन चार ने डेफिनेटली, उनमें से कोई ना कोई ऐसा था जो इस एक्स को जानता था। अब मैंने जो भी एक्स के रिगार्डिंग गलत स्टेटमेंट दी थी, आई इन्फॉर्म्ड एंड आई ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन टू दीज फोर पीपल, राइट। ये जो रॉबरी की स्टेटमेंट थी ये मैंने अपने फ्रेंड को ना बोल के मैंने किसको बोली, कुछ चार दोस्तों को बोली कि जो एक्स है वो रॉबरी करता है। अब ये क्या है, ये एक तरीके की पब्लिकेशन है, डेफामेशन है, ठीक है, इट इज़ कंपनसेशन, इट इज़ कैपेबल फॉर कंपनसेशन, आप कंपनसेशन मांग सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेफर टू द प्लेंटिफ, हमने पहले भी पढ़ा, रेफर्ड होनी चाहिए। 50 में से जो दो
एक बच्चा अनाउंस कर रहा है वो इंडिविजुअली उस इंडिविजुअल की होनी चाहिए। रैंडमली आप नहीं कह सकते कि ये स्टेटमेंट मेरे लिए बोली गई है। एंड इम्पॉर्टेंट वन, स्टेटमेंट कैसे होनी चाहिए? डेफामेटरी होना चाहिए। मेयर एक टीचर आपको डांट रहा है, दैट इज़ नॉट डेफामेशन। ठीक है, डेफामेशन मीन्स चार लोगों के बीच में आपके अगेंस्ट गलत वर्ड्स यूज़ किए जाने चाहिए, दैट इज़ बेसिकली नॉन एज स्टेटमेंट। डेफामेशन हुई, गलत वर्ड्स बोले लोगों के बीच में, ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में वो बातें फैलाई गई। फिर किसके बारे में फैलाई गई? सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में। मैंने बोला स्टूडेंट को कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारा बेसिकली करैक्टर कैसा है। मैंने बाय नेम उस स्टूडेंट को इंसल्ट किया। ये क्या है? रेफर्ड टू द प्लेंटिफ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। स्टेटमेंट कैसे होनी चाहिए? इंसल्ट वाली होनी चाहिए। और इंसल्ट कब होती है? जब आप कॉमन पीपल के बीच में होते हो। ठीक है, एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने बात करा पब्लिकेशन। चार लोगों के बीच में या दस लोगों के बीच में, ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में बातें होनी चाहिए, उनको ट्रांसफ़र होनी चाहिए। वो एक भी हो सकते हैं और थाउजेंड भी हो सकते हैं। मैंने अपने फ्रेंड को ग्रूम में बैठ के बोला कि तुम चोर हो, और उसने भी मुझे रिटर्न में अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करी, बट इट इज़ नॉट पब्लिसाइज। ठीक है, अगर यही बात मैं बोलती हूँ, एक्स क्या है? एक्स चोर है। और ये बात चाहे मैं एक इंडिविजुअल को बताऊं या मैं थाउजेंड को बताऊं, ये क्या कंसीडर किया जाएगा? पब्लिकेशन। पब्लिकेशन डज नॉट मैटर अबाउट द नंबर ऑफ पीपल। पब्लिकेशन कैन बी डन ओनली इवन टू वन इंडिविजुअल ऑल्सो। एक इंडिविजुअल के साथ भी पब्लिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट बात है रेफर टू द प्लेंटिफ। हर इंडिविजुअल उठ के नहीं आ सकता, एक इंडिविजुअल को स्पेसिफिकली नाम लिया गया हो, स्पेसिफिक हाईलाइट किया गया हो वो इंडिविजुअल। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। डेफामेशन के बारे में लिखा हुआ, एक बार इसे रीड करते हैं क्या लिखा है। द स्टेटमेंट नीड्स टू बी पब्लिश्ड। ओके, ठीक है, स्टेटमेंट नीड्स टू बी पब्लिश्ड। लेट्स मार्क द क्वेश्चन। पब्लिश्ड होनी चाहिए। दस इट मीन्स दैट द स्टेटमेंट शुड रीच द ईयर्स एंड आईज ऑफ द थर्ड पर्सन। ईयर्स एंड आई हमने क्यों यूज़ करा है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। हु इज़ नॉट अ प्लेंटिफ फॉर अ डिफेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट नीड्स टू बी रेफर टू द प्लेंटिफ। स्पेसिफिकली रेफर किया होना चाहिए। ठीक है, व्हेन देयर इज एन एम्बिग्विटी पीपल्स परसेप्शन विल बी टेकन इनटू अकाउंट। जब कन्फ्यूजन हो रहा है किसी चीज़ को लेके कि ये बात पर्टिकुलरली कहाँ और किसको कही गई है, तो जनरली लोगों की ओपिनियन ली जाती है कि वो किस बारे में बात करें। लोगों की जनरल परसेप्शन देखी जाती है। अगर मैं एक टर्म मेंटल हॉस्पिटल में जाके बोल रही हूँ, क्या मेरे लिए मैटर करता है कि मेंटल हॉस्पिटल के जो पेशेंट हैं वो क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर क्या करता है? जो बाकी लोग हैं मेंटल हॉस्पिटल में, जो वर्कर हैं, जो नर्सेज हैं, उनके रिगार्डिंग अगर कुछ ऐसी परसेप्शन निकल के आती है, अगर उनकी नज़र में ऐसी कुछ बात निकल के आती है जो लगता है कि एक्चुअली वो क्या हो रहा है, डिसरिस्पेक्ट हो रही है, नॉर्मल लोगों की परसेप्शन चेक करी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। रेफर टू द प्लेंटिफ हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बिटवीन द पर्सन। द स्टेटमेंट नीड्स टू बी डेफामेटरी इन नेचर। कैसी होनी चाहिए? डेफामेटरी होनी चाहिए। द स्टेटमेंट शुड बी सच दैट इट डिप्राइव द समवन ऑफ देयर सेंस ऑफ रेपुटेशन। ये वर्ड्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन सही हमारे डायरेक्ट बनते हैं। पब्लिश होनी चाहिए। आई ईयर थर्ड क्वेश्चन, रेफर टू प्लेंटी फोर्थ क्वेश्चन, डेफामेटरी इन नेचर फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। बहुत देर से क्वेश्चंस नहीं देखे थे हमने। क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चंस आ गए डेफामेशन के बारे में। चलो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप ऑफ डेफामेशन। बच्चे डेफामेशन दो तरीके की होती है।
अभी हमने वर्ड यूज़ करा था आई और ईयर. स्लेंडर मीन्स कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रैक्टिकली दिखाई दे, राइट. एंड लाइबल स्पेसिफिकली रेफर्स टू आई. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं थिएटर में एक आर्टिस्टिक वर्क करती हूँ, मैं एक एज ए वहाँ पे आर्टिस्टिक हूँ, आर्टिस्ट हूँ, और मैं वहाँ पे क्या करती हूँ, एक इंडिविजुअल है हमारी सोसाइटी में आर, मैं एक प्ले बनाती हूँ, उसमें मैं आर को हाईलाइट करके उस आर की रेपुटेशन को हार्म करती हूँ. उस आर के बारे में जो लोगों की रेपुटेशन बनेगी वो गलत रेपुटेशन बनेगी. और मैंने क्या किया है, मैंने लोगों को दिखाया है, मैंने लोगों को थिएटर वर्क से क्या दिखाया है कि हाँ ये एक्स आर जो है ये गलत है, इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है. या मैंने क्या किया, मैंने पेंटिंग बनाई, मैंने पेंटिंग बनाई, ये भी रेपुटेशन ख़राब हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो रेफरिंग टू आई. या मैंने न्यूज़पेपर में कोई कार्टून बनवा दिया आर के नाम का, ये भी क्या है. जो चीज़ें, जो रिस्पेक्ट आपकी आंखों को दिख रही हैं वो होती है लाइबल, और जो रेपुटेशन आपके आंखों से पहले या आंखों को ना दिखने की जगह कानों को सुनाई दे रही है और उससे रेपुटेशन ख़राब हो रही है, उसको हम बोलते हैं स्लैंडर. ठीक है, एग्ज़ाम में क्या है हमारा क्वेश्चन, एग्ज़ाम में है, ये है हमारा क्वेश्चन. बहुत बार हम भूल जाते हैं. स्लेंडर रेफर्स टू ईयर, याद करने का बेस्ट तरीका है लास्ट के डी ई आर. बहुत बार एग्ज़ाम में जो प्लस टू के बाद बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. सो वी हैव बेटर आइडिया लास्ट में जब ईयर है, स्लेंडर ईयर. और लाइबल कैसे याद करना है, लाइबल की स्टार्टिंग में ही जो राइम्स बन रही है आर आई एल आई लाई आई, स्लेंडर ईयर. ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा. देखो लाइबल राइम क्या निकल के आ रही है, आई लाई आई. स्लेंडर की बात करें रिदम क्या निकल के आ रही है, ईयर, स्लेंडर ईयर. ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा. आई होप आप भूलेंगे नहीं कि स्लेंडर किस चीज़ को रेफर करता है और लाइबल लाइबल आई ईयर को रेफर करता है, स्लेंडर ईयर कान को रेफर करता है. चलो आगे चलते हैं. स्लेंडर क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं बेटा एक बार. स्लेंडर कैन ऑल्सो हैपन इन अ वे दैट विल क्लोजली रिप्रेजेंट लाइबल. फॉर एन एग्जाम्पल, वैन यू डिक्टेट सम डेफामेटरी कमेंट्स टू योर क्लर्क, इन टर्न टाइप्स इट ऑन अ लेटर हेड, द कम्युनिकेशन दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर थर्ड पर्सन थ्रू द स्पीच. अब देखो बहुत स्मार्ट चीज़ करिए, ये मेरा क्लर्क है, ठीक है, इसके बारे में एक पर्चा लिखा है मैंने, रेपुटेशन ख़राब हुई. अब ये जो रेपुटेशन मैंने लिखा या किसी भी पर्सन ने लिखा है, ये मैं हूँ, ठीक है. अब ये जो लेटर है ये मैं पढ़ के किसको सुना रही हूँ, ये मैं पढ़ के किसी थर्ड पर्सन को सुना रही हूँ, ठीक है. एज यू कैन सी, तो यहाँ पे क्या आ रही है, डेफोमेशन हो रही है. अब रीड करते हैं हमारा स्टेटमेंट क्या बोलता है. स्लेंडर कैन ऑल्सो हैपन इन अ वे दैट विल क्लोजली रिप्रेजेंट लाइबल. फॉर एन एग्जाम्पल, वैन यू डिटेक्ट सम डिफेमेटरी कमेंट्स टू योर क्लर्क, इन टर्न टाइप्स इट ऑन अ लेटर हेड, द कम्युनिकेशन दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर थर्ड पर्सन थ्रू द स्पीच. आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो लाइबल था, जो रिटर्न फॉर्म में था, जो आंखों के सामने था, आपने उसको कानों के थ्रू भिजवा दिया, तो जो है जो उस लेटर हेड को पढ़ेगा उसके लिए लाइबल हो गया, और जो उस लेटर हेड को सुनेगा उसके लिए स्लेंडर हो गया. ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड.
चलो नेक्स्ट लाइन है, डिफरेंस है हमारा लाइबल क्या होता है। फॉर एन एक्शन टू बी कंसिडर्ड एज लाइबल द बर्डन ऑफ बर्डन सॉरी लाइबल द प्रूफ इन कंटेंशन शुड बी प्रूव्ड एज डेफामेटरी, डेफामेटरी होना चाहिए, ठीक है। फॉल्स मेड पब्लिक, डेफामेटरी होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, मेड पब्लिक होना चाहिए और इन राइटिंग होना चाहिए। जब भी आप लाइबल की बात करते हो वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए लोगों को, ठीक है। द डिफेमेटरी मेड शुड बी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेफर टू द प्लेंटिफ, ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली ही इंसल्ट करो, आप इनडायरेक्टली भी इंसल्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था, ये मैंने क्या करा है, एक पर्चा पढ़ा, इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, ऐसा ऐसा लिखा है, या मैंने कार्टून पब्लिश कर दिया एक इंडिविजुअल के बारे में जो आर है। मैंने बोला जो आर है, जो लॉयर है, वो एक कार्टून की तरह दिखता है और ये मैंने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया, या मैंने ये इन्फॉर्मेशन किसी एक्स पर्सन के साथ डिस्कस करी। तो ये मैंने क्या करा है, ये मैंने डायरेक्टली पब्लिश ना करके जब मैं इनडायरेक्टली उसका इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट वे में डेफामेशन करना, ठीक है। रेफर टू द प्लेंटिफ, फर्दर मोर दिस कमेंट शुड ऑल्सो ड्रॉ अ रीजनेबल कनेक्शन बिटवीन द कमेंट एंड द पर्सन, एक कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए। जब तक कनेक्शन नहीं तब तक कंपनसेशन नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना। जब भी आप कंपनसेशन मांगेंगे कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इज़ दैट क्लियर, चलो आगे चलते।